नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। तो आज हम खड़े हैं, अतुल गर्ग जी यहाँ नामांकन करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए जनता से जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। क्या आप अतुल गर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम सतपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से और सभी महाराज जी के समर्थक हैं। हजारों की संख्या में लोनी से आए हैं सभी जी। और आत्मान्य अतुल गर्ग जी का के समर्थन में सभी लोग तो आए। क्या आपको लगता है कि आपके अतुल गर्ग अपना नामांकन दर्ज करा के जीत हासिल कर पाएंगे बीजेपी से? पिछले सभी रिकॉर्ड श्री महाराज जी के आशीर्वाद से इस बार 405 और गाजियाबाद लोकसभा सीट पूरे देश में सबसे नंबर वन भारी मतों से जीतने वाले माननीय अतुल गर्ग जी होंगे, ये हम आश्वासन दिलाते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कुछ और ही कह रहे हैं, उनका तो मानना है कि आपकी इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। देखिए, राहुल गांधी जी को हम तो, खैर हमारी उम्र तो जो है 45 से 50 के करीब हो गई है, अब तो 5-6 साल के बच्चे भी उनके सिकल देखते ही हंसने लगते हैं। वो तो अतुल गर्ग जिंदाबाद। मेरा नाम संजय कुशवाहा, पूर्व महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा और पूर्व महानगर मंत्री भाजपा। चुनाव की दृष्टि से मैं अतुल गर्ग जी का चुनाव संयोजन देख रहा हूं। पिछले 25 वर्षों से मैं अतुल गर्ग जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनकी कार्यशैली को जानता हूं, जिस प्रकार से वो जनता के लिए उपस्थित रहते हैं, उनके दरवाजे हमेशा जनता के कार्यों के लिए खुले रहते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो हर समय जनता के लिए उपस्थित रहता है। आगामी लोकसभा चुनाव में 26 अप्रैल को हम अधिक से अधिक मतदान कर इस गाजियाबाद सीट को ऐतिहासिक विजय की तरफ ले जाएं और हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रखा है, उन्होंने जो 400 पार का नारा दिया है, तो उस 400 पार के लिए हम इस गाजियाबाद की सीट को ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजें और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। 2,50,000 रुपए मिले, जिसका घर नहीं था, जिसका छत नहीं था, छत बन गया, फ्री इलाज हो रहा है, राशन मिल रहा, गैस भी मिल गया, और सबसे बड़ी चीज तो हम महिलाएं सेफ हैं, कोई हमें छेड़ता नहीं, आराम से धड़ाके जाते आते हैं। तो आपको कैसे महसूस होता है कि महिला कैसे सेफ है? पहले अखिलेश की सरकार में सेफ नहीं थी यार, और यहाँ अखिलेश के राज में हम लोग सेफ नहीं थे। हम पहले ड्यूटी करते थे, ठीक है, आते थे 8 बजे, पहले ही जल्दी आना पड़ता था कि रास्ते में बदतमीजी होगा। अब यही लगा लो, अगर वो 2014 से पहले वाला होता ना, इतनी महिलाएं हम लोग सेफ नहीं आ सकते, रास्ते में भी छेड़ने लगते, बोली मारते हैं, चैनी खींच के लेके चल जाते हैं। मैं पवन नागर बबली, जिला उपाध्यक्ष भाजपा गौतम बुद्ध नगर। अतुल गर्ग जी को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ, हालांकि मेरे पारिवारिक संबंध तो मेरे 3 पीढ़ी के हमारे संबंध उनके, मेरे पिताजी के, मेरे दादाजी के, और लगभग 25 साल से अतुल जी को जानता हूँ। अतुल जी के टिकट से पूरे गाजियाबाद में एक उत्साह है, और अतुल जी ऐसे समझो जैसे गाजियाबाद के बच्चे बच्चे के परिवार के सदस्य हैं। और गाजियाबाद में 5 विधायक हैं, 5 के 5 विधायक, महानगर का अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष, और बीजेपी का बच्चा बच्चा अतुल जी के साथ है। और 30 लाख वोट की लोकसभा है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से अतुल जी चुनाव जीतेंगे। जहां अतुल गर्ग नामांकन करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी इस बार जीत पाएगी? जीत नहीं पाएगी, इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इतनी 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 भारी मतों से जीतेगी। तो सर, इंडिया गठबंधन जैसे एक हो गया, तो आपको क्या लगता है? वो इंडिया गठबंधन नहीं, वो इंडिया ठगबंधन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारी जनता जाग चुकी है। तो सर, आपकी अतुल गर्ग किस तरह से जीत हासिल कर पाएंगे, मुझे जरा थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि अंदर क्या चल रहा है और किस तरह का माहौल बनाया हुआ है? अतुल गर्ग जी हमारे बीच के प्रत्याशी हैं जी, और सभी लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके व्यवहार से प्यार करते हैं, और जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें प्रचंड रूप से बहुमत से उन्हें लोग प्यार दे रहे हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं, और इतनी भारी मतों से जीतेंगे, शायद आज तक हमारे यहाँ से कोई कैंडिडेट इतनी मतों से ना जीता हो।